आज तो जरा हमारे मुल्क में भी कुछ धमाके हुए मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे तो नहीं आगे पाकिस्तान से क्योंकि यहाँ पे ये यह हुआ है जी ईस्ट ऑटवा की तरफ एक एक्सप्लोजन हुआ है और उस एक्सप्लोजन में वो काफी मैसिव उसको एक्सप्लोजन कहा जा रहा है वहां पे हुआ है टेंथ लाइन रोड नियर हार्वेस्ट वैली एवेन्यू और इन जो है वहां पे और वहां पे वो कहते हैं जी ये गैस लीक हो रही थी तो वहां पे जो न्यू डेवेलपमेंट्स चल रही थी मिंटो <coughs> डेवलपमेंट और इनका ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन सारा एरिया था एवलॉन विस्टा इसका था नाम तो ये काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन जो होम्स थे ये उसमें जो हैं तबाह हुए हैं और इसके अंदर जो इमरजेंसी क्रू थी उन्होंने चार लोगों को हॉस्पिटल में लेके गए वो कह रहे हैं जी कि वैसे तो इनकी नॉन थ्रेटनिंग इंजरीज हैं दो जो हैं उनको रैकेज में से निकाला गया था और ओटवा हॉस्पिटल का जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर लेके गए थे दो बच्चे थे जिनको के वहाँ पे पास के एक हॉस्पिटल में लेके गए दो दूसरे जो हैं उनको भी लोकल हॉस्पिटल्स में लेके गए और फिर उसके बाद कहा जी कि कुछ और लोग भी गए थे हॉस्पिटल में लेकिन उनको असेस करके फिर रिलीज़ कर दिया गया था तो ये

कंट्री टू विजिट कनेडा इज अ वेरी डेंजरस कंट्री टू विजिट रशियन एंबेसडर जो है ऑलग स्टिपेनोव uh, उन्होंने कहा है कि कैनेडा जो है <coughs> कॉन्स्टेंटली हमारे लोगों के ऊपर जो है सेंकशन्स लगा रहा है और हमारे जो है रशियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेसिज्म हमारे रशियन्स यहाँ पे इस मुल्क में फेस कर रहे हैं एक रशियन लैंग्वेज का इंटरव्यू वो दे रहे थे तो इसलिए वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता रशियंस को कि वो कैनेडा को विज़िट करें आइर फॉर टूरिज्म एजुकेशन और जो है वो बिज़नेस उन्होंने कहा जी कि हम जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी करते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि भाई आप कुछ ऐसे इलाकों में ना जाएँ जहाँ पे गैंग्स आपको मिल सकते हैं या आपके ऊपर कोई सख्ती या मुश्किल आ सकती है और हम हमेशा यह बताते हैं कि वहां का वेदर बहुत इंटेंस है तो आप ऐसी जगहों ऐसे मौसम में जाए जहां पर आपको ना मिले जब आपको इतना सख्त वेदर ना मिले हार्श वेदर ना मिले और वो कहते हैं जी ये जो है ये कॉन्स्टेंटली हमको दीवार के साथ लगाए हुए हैं वो कहते हैं जी उन्होंने आज कहा मिस्टर ओलेग स्टेपन ने कहा कि हम कनाडा के साथ ओपन हैं डिस्कशंस लेकिन जब से ये यूक्रेन की वार शु, वॉर शुरू हुई है उसमें कॉन्स्टेंटली वो यूएस की पॉलिसी जो है उसको एक्ो कर रहा है और अपनी पॉलिसी जो है कुछ भी उसकी नहीं है और इस तरह से जो है दोनों मुल्कों के बीच में टायर्स भी खराब होते हैं और हम इनको बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हम वैनकूवर में एक अपना काउंसलेट भी खोलना चाहते हैं उसको भी ये खोलने नहीं दे रहे हैं तो ये इनका मूड जो है कनेडियंस का कुछ ठीक नहीं लग रहा तो आज बड़े उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं आ, वीकेंड के ऊपर आपको पता ही है कि सबसे बड़ी खबर जो हमारे लोकल मीडिया में यहाँ पर चल रही थी ट्रांडो के जो मेयर हैं जॉन टोरी साहब उन्होंने जो अचानक से ये अनाउंस कर दिया था कि मैं आप स्टेप डाउन कर रहा हूँ उनके कुछ एलिगेशन जो कुछ अभी तक सर... रिजाइन नहीं किया नहीं नहीं अभी तक किया नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं रिज़ाइन करता हूँ क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ ये ओदा जो है उसको रन करने के लिए उन्होंने बड़ा अपोलोजाइज किया अपनी फैमिली को अपनी वाइफ को और ट्रांटोनियंस को भी कि मेरे से ये एक जो रिलेशनशिप डेवलप हो गया था एक लेडी के साथ उनके तो उसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाऊं लेकिन अब वो कहते हैं जी कि ये रहेंगे मेर रहेंगे क्योंकि वेंसडे को अब जो है टोरंटो का बजट आने वाला है तो काउंसलर जेम्स पेस्टोनक ने आज बताया है रिपोर्टर्स को कि जो डॉन टोरी साहब हैं वो बजट के पास जाएं के बाद जाएंगे शायद और जो है वो हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले दिनों में रिजाइन कर दूंगा लेकिन हमें लगता है कि वो ठहरेंगे उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ये कंसर्न किया कि ये जो होल सम चेंजेस लाने की टोरी साहब कोशिश कर रहे हैं और ये जो बजट है 16.2 बिलियन डॉलर्स <coughs> का तो ये जो है एट द एलेवेंथ आवर एक और आदमी आ जाएगा तो इसको डील नहीं कर सकेगा तो इसलिए इस पॉलिसी के रहते हुए और ये इनको आगे सारी चीज़ को लेके जाने के लिए जॉन टोरी साहब जो हैं वो मेयर की तरह बिहेव करेंगे वो या तो इन पर्सन आ सकते हैं या कि वर्चुअली भी जो ये जो बजट सेशन है इसको वो आ, कर सकते हैं एड्रेस कर सकते हैं तो अब पता चलेगा कि Uh, क्या होता है फिफ्टींथ uh, को जो कि वेंसडे है उस दिन जॉन टोरी साहब जो हैं अब चूंकि उन्होंने अनाउंस कर ही दिया है कि वो बस आने वाले दिनों में अब मेयर नहीं रहेंगे तो अब इसमें जो रेस में लोग शामिल हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं अच्छा जी सबसे पहले तो नंबर वन पे हैं गिल पेनालोसा अगर आपको याद हो जब ये होने वाले थे म्यूनसिपल इलेक्शन तो गिल पेनालोसा को हमने बुलाया भी था हमने उनको होस्ट किया था, था वो आए थे और बड़े वो कोलंबियन है वैसे और बड़े स्मार्ट बंदे हैं और बड़े उनके प्लान्स थे और वो सेकंड आए थे यानी कि जॉन टोरी साहब को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और सेकंड नंबर पे इनको मिले थे जो 2022 का म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था और तकरीबन 18 परसेंट इनको वोट मिला था और इनकी जो पॉलिसी थी उसके अंदर अफोर्डेबल इक्विटेबल और सस्टेनेबल जो हाउसिंग थी और उन्होंने बड़े आइडियाज उस वक्त बयान किए थे उस वक्त और फिर उसके बाद भी हमने उनको बुलाया था तो वो उस पर बात करते हो ये तो इन्होंने कहा कि हर हाल में मैं जंप करूंगा इस रेस के अंदर इसके अलावा डिफेंस लॉयर एरी गोल्ड काइन जो है

सिंस 2010 तो उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद वो बहुत केपेबल आदमी है आफ्टर आफ्टर जॉन टोरी तो शायद उसको आना चाहिए लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है लेकिन लोगों की आंखें जो है जॉश मेटलॉक के ऊपर काफी हैं अभी तो ये ये आ, आ, किसी ने अभी अनाउंस नहीं किया है और इंटेंशन तो, शो की हैं सारी सिर्फ इंटेंशंस नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी तक जॉन टोरी साहब ने रेजिग्नेशन नहीं दिया तो उसके बाद जो है ये हाँ, बड़े बड़े नाम देखेंगे देखेंगे हाँ जी क्योंकि टोरंटो इज द बिगेस्ट सिटी इन द इन इन कैनाडा बिल्कुल

तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं आया है कि वो भी रन कर सकते हैं या hmm. नहीं लेकिन ये है कुछ प्रोमिनेंट लोग जिनके के ऊपर अब नजर रहेगी जैसे ही टोरी साहब जो हैं अपना रेजिग्नेशन पेश करेंगे वो लोग भी पर शामिल हो सकते हैं बिल्कुल ठीक है टोरंटो uh, पुलिस जो है जी वो अब तीन को ढूंढ रही है क्योंकि उनमें से एक लड़के ने क्या किया है कि एक लड़की जो थी जो कि सब सबवे स्टेशन के ऊपर थी इनकी कोई तीन लड़के लड़कियों की और इस लड़की की आपस में कोई बहस हुआ उसमें से इसने अपनी एक छुरी निकाली और उस लड़की के फेस के ऊपर मार के उसको इंजर किया तो टोरटो पुलिस ने तो वैसे एक ही सस्पेक्ट की पिक्चर जो है वो जारी की है लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि तीन लोग थे एक मेल था उसकी है, 140 pounds, slim, आ, बिल्ट और पफी ब्लैक हेयर है दूसरा भी एक लड़का है, उसकी है, 130 है 16 19 इसकी एज है स्लिम बिल्ट है शॉर्ट ब्लैक पफी हेयर है इसके भी और जो तीसरे नंबर पे जो इनके साथ लड़कों के साथ थी वो एक लड़की थी शीज अ गर्ल इसकी हाइट जो है फाइव फोर है 120 और स्लिम फिट है और इन तीनों की जो है तलाश है अब पुलिस को तो पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन मिलती है तो वो हमें बता सकते हैं तो अब ये जो हैं काफ़ी मजद भाई ट्रेनों के ऊपर भी और बसों के ऊपर भी काफ़ी जो हैं आ, ये वाक्य जो हैं सॉल्ट्स के बढ़ गए हैं बहुत, तो, ज़्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये बस अल्लाह रहम करें इन बच्चों पर क्योंकि इनकी एजें देखें फोर्टीन सिक्सटी सेवनटीन ईयर्स तो अभी से इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनेंगे तो कैसे जाएंगे अच्छा ये हेल्थ कैनेडा जो है उसने एक रिकॉल इशू किया है फॉर मैकमिलन स्पेशलिटी फूड्स का जो ब्रांड है मैकेन थ्री बाई एट स्टे क्रिस्प स्ट्रेट कट फ्राइज इसके लिए उन्होंने कहा है फेबर 11 को जो ये सेल किए गए थे ऑनटेरियो में तो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि उसके अंदर कुछ ग्लूटन और वीट जो है वो शायद आ, आ, शामिल हो सकता है क्योंकि जो है कुछ लोगों ने <coughs> Uh, किया है ये uh, uh, कंप्लेंट किया है कि उन्होंने जिस वक्त इसको कंज्यूम किया तो उनको रिएक्शन आ गया है तो बहरहाल कंपनी जो है फ़ौरन वो अपने जो शेल्फ्स हैं उससे हटा रही है और हेल्थ uh, कैनेडा ने कहा है कि अगर आपके पास मैकमिलन के ये स्पेशलिटी फूड का ब्रांड जो है मैकेन थ्री एट इंचजेफ क्रिस्प स्ट्रेट कट फ्राइज अगर आपके पास हैं तो फौरन इसको फेंक दें इसके अंदर आ, ये इस तरह की डिस्कवरी हो सकती है ग्लूटेन की अल जजीरा की जनाब आज एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और इसके मुताबिक पॉर्चुगीज कैथोलिक चर्च जो है उसको इन्वॉल्व पाया गया है सेक्शुअली असोल्टेड जो एक रिपोर्ट आई है पोर्चुगल में उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि दे हैव अब्यूज अराउंड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन किड्स सिंस नाइनटीन फिफ्टी और वो कहते हैं जी कि इसमें से 77 परसेंट जो प्रपिट्रेटर्स थे वो प्रीस थे और विक्टम्स जो थे ज्यादातर आदमी थे ये कमीशन हेड एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो हैं पेड्रो स्ट्रेच उन्होंने मिलकर एक ये रिपोर्ट पोर्चुगीज़ के कैथलिक चर्च पर लिखी थी और उन्होंने कहा जी कि हम उन सबको बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट पे करते हैं जिन्होंने के बड़ी करज दिखाई और वो सामने आए उन्होंने कैथलिक जो स्कूल्स में जो अब्यूज किया था ये इन्होंने और चर्च में किया था और घरों में किया था और वो जो कन्फेशन के जो डब्बे होते हैं उनके अंदर जो इन बच्चों के साथ ज्यादा की गई थी वो सामने आए और बताया वो, वो कहते हैं जी कि ये तो आ, हमने जिस वक्त रिपोर्ट का हमें कहा था गवर्नमेंट ने कि ये बनाएं तो हमें उस वक्त लगा था कि शायद जो है एक डेढ़ दो हजार कोई बच्चा होएगा ये पेडोफाइल जो रिपोर्ट्स थी लेकिन वी आर सरप्राइज कि ये इतनी ज्यादा फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन के करीब रिपोर्ट सामने आई हैं और हो सकता है कि और भी लोग हों तो हम सब

प्रीस्ट और जो दूसरे जो रिलीजस ऑफिशल uh, हैं वो इन्वॉल्व थे सेक्शुअल एब्यूज के अंदर और ये तो नंबर बहुत ही ज़्यादा था जो फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन आई थी उसमें से तो टू हंड्रेड थाउजेंड बच्चे शामिल थे जिनके साथ ये ज्यादा की गई थी तो अब ये एक और रिपोर्ट आई है तो अब देखेंगे पोप फ्रांसिस के ऊपर क्या जो है बयान देते हैं कि नहीं अर्थ विक्टम्स जो हैं जी टर्की और सीरिया के अंदर वो अब आ, काफ़ी हाँ, हाँ हाँ बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तो ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा कोई जो है फोर्टी एट थाउजेंड को जो है अब ये टच कर रहा है और इसके अंदर काफ़ी जो है अभी भी लोगों को रबल में से निकाला जा रहा है यानी आप सोचें कि कोई तकरीबन हंड्रेड एंड टेन आवर्स हो गए हैं तो फिर भी अभी भी लोगों को बच्चों को निकाला जा रहा है वहाँ से रबल के नीचे से यहाँ पर इस मौके पर जर्मन इंटीरियर मिनिस्टर जो है नैन्सी फीजर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बिल्ट न्यूज़ पेपर को और उन्होंने कहा कि ये जो तबाही टर्की और सीरिया में आई है उसमें टम्प्ररि ओनली टेमपरि तीन महीने के लिए हम वीज़े ईशू कर रहे हैं उन तमाम टर्किश और सीरियन फैमिलीज़ को जो अपने रिलेटिव्स को और टर्की और सीरिया से बुलाना चाहते हैं जर्मनी mm -hmm. में तो वो कहते हैं कि दिस इज़ आवर पार्ट ऑफ एड एंड हेल्प टू दोज कंट्रीज़ और uh, <coughs> अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो है तकरीबन 2.9 मिलियन पीपल ऑफ़ है तो उनको कहा गया कि अगर आपके कोई रिलेटिव को आप बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं और इसी तरह नाइन हंड्रेड सीरियंस हैं जो कि आपको पता है कि पुरानी जो इनकी जर्मन चांसलर थी एंजला मर्कल उनकी जो रेफ्यूजी पॉलिसी थी उसमें ये बुलाए गए थे जो सीरियंस 2015 और 2016 में तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि सीरियंस भी अब जो है अगर अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं तो बुलाइन आ सकते हैं और इसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होगी फॉरेन वीज़े जो है वो इशू किए जाएंगे और आप फॉरेन फॉरेन जो है अपने रिलेटिव्स को ला दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर हां जी हां जी ये हुँ. बड़ा अच्छा जो है उन्होंने जेस्चर शो किया अच्छा जनाब ये आपको पता ही है कि वीकेंड के ऊपर एक और जो बड़ी खबर जो है सर्कुलेट करती रही कि अब यूएस जो है अपने जेट्स भेज रहा है बार बार फिजा में और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको नजर आ रहे हैं और उसको वो गिरा रहा है तो यूएस फाइटर जो जेट्स हैं उन्होंने और कुछ जो है आ, अन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो हैं लेक ह्यूरोन के ऊपर गिराए हैं और ये बाइडन साहब सबके लिए इन्होंने बड़ा क्लियर क्लियर किया है पेंटागॉन ने कि सारों के ऑर्डर जो है, हमें हमें पेंटागॉन को बाइडन साहब जो कि प्रेजिडेंट है अमेरिका के वो देते हैं तो चार ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पिछले आठ दिनों में ये डाउन कर चुके हैं जिसमें कि एक जो था कनाडा के ऊपर भी था इसके अंदर पेंटागॉन कह रहे हैं कि पहला वाला तो बैलून था ठीक है लेकिन के जो बाकी के तीन हैं उनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है एंड दे आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग थिंग को भी वो रूल आउट नहीं कर रहे नहीं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं लेकिन बहरहाल जी कैनेडा अलास्का बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है अब ये उन्होंने शूट डाउन किए हैं जनरल ग्लैन वैन हर्क जो है हेड ऑफ नोरैड और यूएस नॉर्दर्न कमांड जो है उन्होंने आज ब्रीफिंग दी है जर्नलिस्टों को और उन्होंने कहा जी कि हम जो पेंटागॉन

जो है लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उसके ऊपर ना गिरे और उसके ऊपर ज़्यादा जो है नुकसान ना होए अच्छा इसके ऊपर बात करते हुए अब चाइना ने जो है काउंटर अटैक किया यूएसए के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वैन विनबीन जो है उन्होंने कहा है जी कि आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जनवरी 2002 से अब तक अमेरिका के भी बेतहाशा इस तरह के जो बैलून्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी चाइनीज़ एयर स्पेस में जो है वो दाखिल हुए हैं तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने क्या किया उन्होंने कहा जी के टेन टाइम्स अगर आपके उसमें हुए हैं तो आपने क्या किया उन्होंने कहा जी हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली और बहुत प्रोफेशनली उनको एक तो इतला दी और उनको बताया कि भाई आपके ये गुब्बारे यहाँ पर आपके ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं तो आपने उन्होंने कहा जी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने कहा जी एक्शन हमने इसलिए नहीं लिया कि हम जो हैं एक रिस्पांसिबल स्टेट हैं और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स पूछनी है तो आप ये सारे क्वेश्चंस यूएस साइड को रेफर करें उनसे पूछें कि उन्होंने सिंस 2020 जनवरी हमारे एयर स्पेस में चाइना की एयर स्पेस में ये इतने बेतहाशा जो हैं ये क्यों भेजे गुब्बारे क्यों भेजे तो इसका जवाब आप लें लेकिन ये जो ब्लेम गेम चल रही है वाशिंगटन की तरफ से ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो इस तरह तो ये काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा <coughs> चाइना के साथ भड़कती जा रही हैं दिन ब दिन विच इज़ नॉट रियली अ वेरी गुड साइन इसलिए क्योंकि अब आप देख ही लें कि ये जो सप्लाई चेन के मसले हैं ये कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं और आप जाएँ दुकानों के ऊपर शेल्फ्स आपके जो है आपको खाली नजर आएंगे ना कपड़े मिल रहे हैं ना जूते हैं ना और चीज़ें आपको मिल रही हैं तो unnecessarily ये जो बयानबाजी भी होती है दिस इज़ नॉट हेल्दी ऑल्सो अलरबिया की जनाब ये रिपोर्ट है और इसमें जनाब जो है वो असल में बात है ना कि वो सारे कमर्शल इंटरेस्ट की बात है तो हमारे जो अब अंकल सैम हैं बेचारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रजिम चेंज कर दिया उसको बर, बर्बाद कर दिया अब सऊदी अरेबिया के साथ तो ऐसे नहीं कर सकते ना आपको पता ही है कि जब बाइडन साहब जो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए थे पिछले साल तो उनको उन्होंने कहा था जी कि आप ये कट ना करें अपना ओपेक का ऑयल सारा तो उन्होंने कहा था जी अच्छा ठीक है हम देखेंगे और उसके फौरन बाद उन्होंने अपनी आउटपुट जो है वो कट कर दी थी राइट तो इन्होंने बड़ा बुरा मनाया था अच्छा जी इतना कुछ यानी कि उन्होंने चपेड़ मारी आपको लेकिन फिर भी क्या हुआ फिर से एक और अमेरिकन डेलीगेशन उधर पहुंचा हुआ है

कि सऊदी अरेबिया ने इनको जरा सीधा करके अब रखा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान ने यानी सारे फायदे भी आप उठाते थे मिडिल ईस्ट से और उनको आंखें भी दिखाते थे अब आपको मिडिल ईस्ट में एक आंखें दिखाने वाला आया तो आप उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं ठीक है जी अच्छा जी अब ये पूरा डेलीगेशन जो है पहुंचा हुआ है यहाँ पे और यहां पे जो यूएस के स्पेशल एन फॉर ईरान है रॉब माइली और डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर मिडिल ईस्ट डैनाज टूल ये इनको हेड कर रही हैं ये लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस पेंटागॉन के बहुत सारे लोग हैं मिसल डिफेंस मेरी टाइम सिक्योरिटी इंटेग्रेटेड एयर एंड जो दूसरे इनके जो डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बंदे हैं और अब ये इनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी ओपेक प्लस के मेंबर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई आ, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और बहुत सारे लोग जो कि अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत ताने दे रहे थे कि आपकी वजह से मिडल ईस्ट के साथ हमारे ताल्लुक ख़राब हो गए हैं तो पेंटागन गां जो है वो ये बताने की अब कोशिश कर रहा है कि ये जो नैरेटिव था कि यूएस जो है अब डिसइंटरेस्टेड और डिसंगेज है और मिडल ईस्ट से वो ऐसा वैलिड नहीं है और हम उनके साथ बड़े एंगेज्ड हैं तो एंगेज जो है जाहिर है कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आप सोच ही सकते हैं खुद <coughs> वरना सऊदीया के साथ कोई इतना प्यार नहीं है इनका न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है और यह भी एक बहुत ही बड़ी आई ओपनर है यह रिपोर्ट इसके अंदर जी उन्होंने कहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इंडिया की तरह का वहां परेस जो है उसको मोदी जी ने बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको सप्रेस किया है वो कहते हैं कि उसकी वजह से इंडिया का जो प्राउड स्टेटस था टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो बहुत ज्यादा अंडर माइन हुआ है वो कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं टू थाउजेंड फोर्टीन में और फिर री इलेक्ट हुए हैं टू थाउजेंड नाइनटीन में बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है जो प्रेस है उसको और कहते हैं जी किसी जमाने में 180 कंट्रीज का जब ग्लोबल इंप्यूनिटी इंडेक्स आता होता था तो उसके अंदर जो है इंडिया का इलेवंथ नंबर होता था अब एनुअल प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स पब्लिश किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उसके अंदर हिंदुस्तान जो है Uh, जो लास्ट ईयर ही हुआ था 2022 में 180 कंट्रीज में से हंड्रेड कंट्री पे आ गया है क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर सेंसरशिप्स हैं यहाँ पे कर्ब्स लगाए जाते हैं जर्नलिस्टों को उनकी बात नहीं की जाने दी जाती और उसने कहा जी उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि अभी रिसेंटली जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी द मोदी क्वेश्चन जिसमें कि उनको क्वेश्चन किया गया था उनके रोल को जो गुजरात के अंदर वायलेंस आई थी टू में जिसमें कि एक बंदा इंक्लूडिंग मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी तो you <laughs> वो उसके ऊपर जब उनको प्रोब किया गया और उनसे पूछा गया मोदी जी से तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया था और उसके ऊपर जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बड़ा भड़क गई थी जिस और डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया था कि उस वक़्त जो मोदी जी थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने बिल्कुल पुलिस को कहा था कि कोई एक्शन नहीं लेना और जो थे उस तरह के फिर एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने फिर काफ़ी मुसलमान औरतों को अकॉर्डिंग टू द बी डॉक्यूमेंट्री उनको मारा पीटा जलाया और उनकी औरतों को रेप किया तो वो कहते हैं कि एक ऐसा कंट्री जो कि डेमोक्रेसी को बिलीव करता है तो ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी Question, इसको रोक देना और इसको, जो है, ना, कहना जी, इसको हम नहीं चलाएंगे तो ये बहुत ज्यादा यह बिल्कुल ठीक नहीं है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो थी उसने कहा फिर के नहीं, हमने अपनी चीजें हम सामने लेकर आए हैं और उसकी वजह से हमने ये सारी रिपोर्ट लिखी है लेकिन वो कह रहे हैं जी के मोदी जी के इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली जो यहां पे <coughs> लोगों को जो प्रेस के लोग हैं उनको थ्रेटन किया जाता है हरास किया जाता है उनको अटैक किया जाता है माइनॉरिटीज़ को खास तौर पे मुस्लिम्स को तो वो चीज़ जो है वो जारी है और इसके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने भी बड़ा ये क्वेश्चन किया था कि इनका क्या रोल है ये वायलेंस में और ख़ास तौर पर ये जो गुजरात के अंदर हुई थी उसके अंदर इनका क्या रोल है तो वो कहते हैं जी इसको कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है और इसको बैन कर दिया गया है ये जो टू पॉइंट डॉक्यूमेंट्री है बी की यहाँ तक के जो यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का न्यूज टाइम्स ने जिक्र किया है और वो कहते हैं कि उस तक की एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू दिल्ली के अंदर जो था वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की बंद कर दी थी ताकि ये डॉक्यूमेंट्री ना देखी जा सके इंटरनेट एक्सेस खत्म कर दिया था लेकिन वो कहते हैं जी स्टूडेंट्स ने एनी जो हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर फिर इसको देखा तो वो कह रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम है इंडिया में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स राज्यसभा की आज जो प्रोसीडिंग्स थी जी उनको आज एडजर्न करना पड़ा और मार्च थर्टीन तक उसको किया गया है क्योंकि ऑपोजिशन ने हाउस में आज काफी जो है क्वेश्चन किए जिसके के लिए उनको बार बार झाड़ा गया और उनको कहा गया कि आप चुप करके बैठो ये जो है अपोजिशन वो कह रही थी कि आपने जो कांग्रेस के एमपी रजनी पाटिल को वो किया है बजट जो से, सेशन चल रहा है उसमें से आपने उसको सस्पेंड कर दिया उसको वापस आप लेकर आए क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन थे कि शायद वो अनऑथोराइज अलजली वीडियो बना रहे थे हाउस प्रोसीडिंग्स की जिसके के बारे में उनको कहा गया कि आपको इजाजत नहीं है एक तो उन्होंने कहा जी उनको लाए और बार बार बेसिकली जो ऑपोजिशन है

परमिट किया तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट नारे लगाए और उसके बाद फिर ये बाकी के जो अपोजिशन के एम थे उन्होंने भी फिर नारे लगाए तो ये काफ़ी हंगामा आज रहा ये राज्यसभा में जिसके के बाद ये जो सेशन है इसको थर्टीनथ मार्च के लिए एडजर्न किया गया आज इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट की दो स्टोरीज़ हैं और अगेन ये जो रेप्स हैं इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली उनकी स्टोरीज़ हैं ये <coughs> इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के मुताबिक मुंबई पुलिस जो है उसने एक आदमी जिसकी के 50 साल उम्र है उसने अपने दो बेटों के साथ एक 14 साल की बच्ची जो है उसको अपने घर के अंदर रेप किया वो बच्ची जो थी अक्सर वो उसका ये अंकल था उसको अक्सर ये इसके घर को विजिट करती थी लेकिन उस वक्त लोग होते थे घर में तो जब ये इसने अकेले में एक दिन किया तो उन्होंने इसको रेप किया और उसको थ्रेटन किया कि तुमने किसी को बताना नहीं है वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया जाएगा बहरहाल जब उसने आके घर में पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने उसकी की रिपोर्टिंग इसी तरह द प्रिंट की स्टोरी ये बताती है कि एक टीचर एक गवर्नमेंट स्कूल का है जिसने के एक दस साल दस साल की बच्ची जो है जो कि ग्रेड फोर में पढ़ती है उसको रेप किया मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में जब वो बच्ची रोती हुई घर आई उसने कंप्लेन प्ले, की अपनी फैमिली को तो उन्होंने विमेंस पुलिस स्टेशन में फिर यह कंप्लेन की तो ये कॉन्स्टेंटली लोग पूछ रहे हैं कि जी मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बेटी के लिए बड़ी बात करते हैं तो ये रेप्स जो है ये मुल्क में रुकने का नाम नहीं रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है आ, काफ़ी आपको पता ही है कि इसाक डार साहब जिनको के बड़ा विज़िट कहा जाता था इकोनॉमिक्स का अब उनसे चीज़ें जो हैं वो संभाली नहीं जा रही हैं तो मुल्क में काफ़ी जो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर है उसको काफ़ी मुश्किलें हैं आ, ये जो मेजर पाकिस्तान के बिज़नेस चीफ्स हैं उन्होंने आज गवर्नमेंट से कहा है कि अगर आपने मैनुफेक्चरिंग मटीरियल्स को कराची की पोर्ट पे ही रहने दिया और मुल्क के अंदर आप ना ले आ, आने दिया और आपने इन इम्पोर्ट्स के ऊपर से बैन लिफ्ट ना किया तो मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं मुल्क के अंदर से जाएंगी उन्होंने कहा जी ऑलरेडी वाजिद बुखारी जो है हेड ऑफ़ पाकिस्तान लार्ज स्केल स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के ऑलरेडी बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शट डाउन हो चुकी हैं बड़ी भी अब होना शुरू होएंगी ये जो इंडस्ट्री है स्टील की इसको ना बंद होने दें क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है फोर्टी फाइव इंडस्ट्रीज़ के साथ और मिलियज ऑफ लोग जो हैं उनको जॉब्स मिली हुई हैं और वो कहते हैं जी के चूंकि गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल हंड्रेड मिलियन डॉलर्स पर मंथ को हो गया है स्टील इंडस्ट्री जो है उसको कहा गया है कि अब आपके चीज़ें इंपोर्ट नहीं आप कर सकते हैं जिसकी की वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है और इन्होंने कहा है जी कि आप हमको इंपोर्ट करने दें जो भी आपकी डील कोई आई के साथ है बेल आउट डील उसको आप देखें वरना ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स की स्टील टेक्सटाइल्स जो हैं ये अब फंक्शन करना फिर बंद कर देंगी तो कोई चीज़ जो है वो अब इस डार से या पी डी एम की गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा तो हमारा फिर से ये सवाल है उन हैंडलर से जो कि किसी को खुश करने के लिए जो ये रजीम चेंज करके लाए थे और कह रहे थे कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही तो अब भाई साहब अब कौन सा डिलीवर हो रहा है अब आप ज़रा बताएँ मुल्क का आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है और अभी भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि यही लोग जो हैं कंटिन्यू करेंगे इलेक्शन भी नहीं आप कराना चाहते पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने जनाब आज बताया है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं यू एस ए और पाकिस्तान के बीच में वो अब शुरू हो गए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो थे वो इस्लामाबाद में हुए थे और ये डिफेंस डायलॉग है जो कि पाकिस्तान और यू एस ए के बीच में शुरू हुआ है पाकिस्तान डेलीगेशन इज़ लेड बाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीनियर ऑफिशल फ्राम फॉरन ऑफिस जॉइंट स्टाफ हेड थ्री सर्विसज हेड ये सारे और जो यूएस टीम है उसको अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं उनका ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बायोलेट्रल डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा मिल्ट्री टू मिल्ट्री टाइज और अग्रीमेंट्स uh, जो हैं कि कैसे ट्रेनिंग uh, की जा सकती है ऑपरेशनल जो डोमेन uh, के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये करेंगे डिस्कस uh, कर रहे हैं जो पहला राउंड की जो टॉप uh, uh, हुई थी डिस्कशंस वो एयर चीफ़ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और कमांडर ऑफ यू एयर फोर्स सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेट जनरल एलेक्सिस ग्रीन कैविच के बीच में इस्लामाबाद में हुई थी तो ये अब इनकी जो मीटिंग्स हैं फेबरी 13 से 16 के दौरान डीसी के अंदर जारी रहेंगी करामतुल्ला गौरी साहब जिस इमरान खान के इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिया है उसमें से और कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं आज उसके ऊपर बात कर रहे थे जब वो वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उसमें उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आप खुद सोचें कि कितनी बेशर्मी से जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल बाजवा उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ कुछ दिन बात करते हुए कहा है कि हाँ बिल्कुल मैंने पी की गवर्नमेंट जो है उसको आउस्ट किया है क्योंकि वो इकनॉमिक और दूसरी पॉलिसीज उसकी सही नहीं थी तो आपको क्या लगता है कि मिल्ट्री का ये रूल रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनका हाथ था रजीम चेंज के अंदर और आपको पता ही है इमरान खान साहब अमेरिका को ब्लेम करते आए हैं लेकिन अब उन्होंने जो है इनको डायरेक्टली ब्लेम किया है ज्यादा और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी की उन्होंने कहा कि पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी इन तमाम चीजों के साथ इन्वॉल्व है वो कहते हैं जनरल बाजवा के साथ आपकी लड़ाई कैसे शुरू हुई उन्होंने कहा जी ऐसे शुरू हुई कि जिस वक्त मैं मॉस्को गया और हम मॉस्को में जो प्रेसिडेंट पुटिन है उनको कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीप ऑयल चाहिए जिसके के ऊपर वो एग्री कर गए थे और जैसे ही मैं वापस आया तो जो इनके मास्टर्स ने इनको बताया हुआ था तो जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि तुम कंडेम करो मॉस्को को तो मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे कंडेम कर सकता हूं मैं तो पाकिस्तान के लिए चीप ऑयल मांग रहा हूं उनसे तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुमको कंडेम करना ही पड़ेगा और कहते हैं फिर खुद एक इवेंट पर चले गए और ऑन हिज ओन अपने उसके ऊपर इन्होंने चाइना उसको रशिया को जो है कंडेम करना शुरू कर दिया तो अब आप मुझे खुद बताएं कि फॉरन पॉलिसी स्टेटमेंट्स ये जो जनरल होता है इसका तो इसवा ग्रेड होता है तो एक बाइस ग्रेड का ऑफिसर अफसर जो है वो कैसे जो है इस तरह की बात कर सकता है कि जो है ये हम कंडेम इसको करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से मुल्क के जो है वो ना पूछे और उससे डिक्टेशन ना ले तो मैंने जनरल बाजवा को उस वक्त भी कहा था कि आपके सामने इंडिया की मिसाल है उनकी सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर है मिलिट्री तो आप भी सिविलियन गवर्नमेंट की इज्जत करते हुए जो है न्यूट्रल रहें आप आप गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडल्ज ना करें लेकिन इन्होंने नहीं किया और ये अपीजमेंट पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वाशिंगटन के साथ उसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है इसके पीछे ही हमने अपने एट्टी थाउजेंड बंदा जो है उसको मरवा ल है और फिर भी जो है अमेरिका की तरफ से उसका कोई रिकग्निशन नहीं है तो वो कहते हैं जी के अब इसके अलावा जो अब पंजाब और के पी की जो दो असम्बली डिसॉल्व हुई हैं उसमें नाइन्टी डेज में इनको इलेक्शन भी करवाने चाहिए मगर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता कौन है इस मुल्क में Uh, uh, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं काजी फैज ईसा वो आजकल काफ़ी नाराज़ रहते हैं तो अब उनसे उनके सामने एक पटिशन आई थी जिसमें कि एक uh, गैस थेफ्ट का केस था वर्थ 67 मिलियन रुपीज़ अगेंस्ट अ लोकल फैक्ट्री वो जब सामने आया तो कोई वहाँ पे लॉयर्स नहीं थे जो इन केसेस को आगे लेके जाते या किसी ने जिसने इनको इनका इनकी पैरवी जिसको बोलते हैं करनी थी या इनका पीछा करना था तो जस्टिस uh, फैज ईसा जो है वो बड़े हैरान हुए वो कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है हर बंदा अपने दायरे के अंदर और अपने फील्ड में रह के काम क्यों नहीं कर रहा है हम अगर जो है इंसाफ लोगों को नहीं दे सकते हैं तो हमको अपना ज्यूडिशियल सिस्टम को शट डाउन कर देना चाहिए और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है कि मुल्क में कुछ भी होएगा लॉयर्स जो हैं वो स्ट्राइक नहीं करेंगे तो अपने ही बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं इनका क्या काम है कि ये लॉयर्स जो हैं मुल्क के कि वो जो हैं स्टेज करें ये प्रोटेस्ट जो हैं वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे तो मेरा कहना यही है कि अगर इस मुल्क के अंदर हर अदारा अपना काम करे तो फिर ही ये मुल्क जो है और ये सिस्टम जो है ये चलेगा और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी तो आज काफ़ी भड़के हुए थे जस्टिस काजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने जो दो पार्टीज हैं एक तो अवामी पार्टी जो है शेख रशीद अहमद साहब की और पीटीआई की जो है पीटीआई जो है पार्टी उनको Uh, जो है नोटिसज़ जारी किए हैं क्योंकि आपको पता ही है कुछ दिन पहले शेख रशीद अहमद साहब ने एलज कहा था कि इमरान खान को मारने की साजिश जो है वो कर रहे हैं जरदारी साहब और फिर इसके अलावा उन्होंने कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की थी बी जरदारी साहब के लिए उसके ऊपर फिर इनके ऊपर एक जो है वो एफ आई आर डाली गई थी और उस सिलसिले में आज इनकी हियरिंग थी जब ये आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है रिलीफ दी जाए तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप को हम <coughs> बेल के लिए तो आ, दे सकते हैं रिलीफ जो आपने थ्रेटन किया था मरी पुलिस को लेकिन जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके लिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते इस वक्त जो है शेख रशीद अहमद साहब अडियाला जेल के अंदर 14 डे के जुडिशल रिमांड पे हैं तो कोर्ट ने कहा कि के आपका केस जो है अब आगे लेके जाया जाएगा अगेन um, ये जो न्यूज़ है कराम गौरी साहब इसको टच कर चुके हैं कि एफ आई ए ने जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत, शौकत तरीन साहब उनको अब जो है वो बुक किया है अंडर लीकड ऑडियो जो एक इनकी आई थी उस केस के अंदर और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का पी डी एम की गवर्नमेंट का कहना है जो एफ आई आर थी अरशद महमूद साहब ने लिखाई थी कि ये इल विल है इसलिए क्योंकि इन्होंने आई एम एफ की मीटिंग होने वाली थी गवर्नमेंट के साथ पी डी एम की तो इन्होंने वो लीक की जिसके के अंदर इन्होंने एक्स पंजाब चीफ मिनिस्टर और सॉरी फॉरेन मिनिस्टर और केपी पी के फॉरेन मिनिस्टर जो थे तैमूर सलीम झगड़ा और मोसन लगारी उनको कहा था कि आप जो है इनके साथ वो ना करें आम, इसको आप मतलब वो सहायता ना दें आप आ, तो, स, तो सपोर्ट ना करें तो वो जो लीक आई थी वीडियो ऑडियो जो आई थी उसमें फिर काफ़ी खराबी पैदा हुई पाकिस्तान गवर्नमेंट का आईएमएफ के साथ बातचीत नहीं चल सकी तो अब इनके अगेंस्ट केस बनाया है उन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंडर और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अब इनके साथ भी क्या किया जाता है और जनाब आपने वीकेंड के ऊपर सुपर बॉल जरूर देखा सुपर बॉल देखा अमेजिंग अमेजिंग सुपर बॉल जो था वो हो रहा था तो उसके अंदर रियाना जो है हमारी hmm. उन्होंने आपको पता यह बड़ी परफॉर्मेंस है और उन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट है बिकॉज रियाना द फर्स्ट लेडी uh, आफ्टर 2018 वैसे तो आई थी ये hmm. ग्रामीज हुए थे उसके बाद आई थी तो लोग बड़े एक्साइटेड थे वैसे भी इनको देखने के लिए बट शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट वैंड शी केम ऑन स्टेज तो ऐसे कभी हुआ नहीं है कि सुपर बॉल में हाफ टाइम जो शो होता है उसके अंदर कभी कोई प्रेगनेंट जो है वो सेलिब्रिटी आती है तो भरल जी ये ये स्टेज पे आई और इन्होंने बड़ा जो है उधर हिस्ट्री क्रिएट किया लोग इनको देख के बड़ा खुश हुए uh, एक कोरियोग्राफर है शायमक दावर उन्होंने जी एक शाहरुख खान और सलमान खान के साथ एक बड़ी जो तस्वीर है वो शेयर की है आपको पता ही है उसकी वजह यह पठान जो है इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल और ये दोनों ही बड़े जो हैं यंगस्टर लग रहे हैं इनके साथ लग रहा है कि कोई इवेंट होने वाला था उसकी ये तस्वीर है तो उसके लिए <clears throat> इन्होंने जो है ये तस्वीर डालते हुए उसके ऊपर लिखा कि मैं शाहरुख खान को रिमेंबर करता हूं कि जब दिल तो पागल है ये बना रहे थे तो उसमें उन्होंने मुझे लॉन्च किया था और कहा था कि तुम कोरियोग्राफी करोगे मैं उस दिन से इनका शुक्रगुजार हूं और हाँ हम हाँ, दूसरे एक मेगा स्टार सलमान खान को कैसे भूल सकते हैं जिसकी के जो एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अलोरिंग उन्होंने कहा जी प्रेजेंस है उनकी तो ये जो दो ग्रेट लेजेंड्स हैं इनको मैं कहता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स तो जनाब ये पुरानी एक तस्वीर उन्होंने शेयर किया तो ज़ाहिर है कि जो फैंस हैं वो बड़े और जनाब हमने आपको बताया था कि अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हो चुकी है लेकिन वो बड़ा ही इंटीमेट किस्म का अफेयर था तो अब इन्होंने मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा बैश दिया है एक रिसेप्शन दिया उसमें बहुत बड़े बड़े सितारे जो थे वहां पर नजर आए ये जो रिसेप्शन था रिजस रिजस सेंट रिजस मुंबई के अंदर था इसमें अंबानी और नीतू कपूर आलिया भट्ट काजोल देव, अजय देवगन करीना कपूर करण जौहर रणवीर सिंह गौरी आदित्य राज कपूर रॉय कपूर विद्यापाल बेशुमार लोग वरुण धवन क्रीतिशन वो वहाँ पे आए हुए थे इसके अलावा जो फैशन डिजाइनर्स थे वो आए हुए थे जैसे कि मनीष मल्होत्रा और बेशुमार लोगों ने जी इनके रिसेप्शन को आ, किया अनुपम खेर आपको शायद नजर आ रहे होंगे हमारा जो टीवी देख रहे हैं उनको तो <coughs> उन्होंने भी बड़ी इनको जो है वो दुआएँ वगैरह दी हैं वो कहते हैं मेरा फेवरेट कपल है तो बड़ा ज़बरदस्त बैश था जी जी मुंबई के अंदर एंड जनाब रियल मेड्रिड जो है उसने क्लब जो वर्ल्ड कप है वो रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम जो है जीता है दे, दे ओवर द वीकेंड ये हो रहा था जो मैच हो रहा था इसमें इन्होंने जो सऊदी अरेबिया का अल हिलाल क्लब है उसको 5-3 से रबात मोरक्को में हराया है इसमें जो विनिशस जूनियर है उसने दो बनाए करीम बंजमा ने एक बनाया फ्रेडरिको वेलवेडे ने दो बनाए और इस तरह से जो है इन्होंने फाइव थ्री से इनको हराया और आ, इन्होंने आखिरी जो मैच था वो मैड्रिड में जीता था 2018 में लेकिन 2014, 16 और 17 के भी 16 और 17 के भी इन्होंने जीते थे लेकिन बाहर हिलाल ने बता दिया कि ऐसे ही नहीं उन्होंने ब्राज़ील का जो फ्लेमिंगो जो था उसको हरा के जो है वो इसमें फाइनल में पहुँचे थे उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली और उनको बड़ा जो है हार्ड टाइम दिया और जनाब इसके अलावा वीकेंड पे जिससे हमने शुरू की थी स्टोरी अपनी पीएसएल का ओपनिंग जो थी बड़ी वो भी स्टार थी जबरदस्त थी लोग बड़े पागल हुए उन्होंने कहा अभी तक के ये सबसे जबरदस्त जो है पी एस एडिशन जो है वो हुआ है इसके अंदर नेशनल एंथम जो है एमा बेग ने गाया था और पीएसएल का एंथम जो है वो शे गिल आसिम अजहर और फारिस शफी ने गाया इसके अलावा आयमा बेग और साहर अली बगा की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज थी तो लोग जो हैं वो बड़े खुश यहां पे हुए आज था जनाब मुकाबला लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान के साथ जो लाहौर ने जीत एक रन से एक रंजे, एक रंजे। एक रन 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 से 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 जीता तो पर आप तो यही कहते ना एक रन से भी जीत तो जीत ही है जी तो ये ओपनिंग पी एस का मैच था जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था तो लाहौर कलंदर ने इसमें जीत हासिल की है और बांग्लादेश ऑलराउंडर जो है शकीबुल हसन साहब जी उनको जल्मी, पिछावर जल्मी जो है उसकी टीम ने इसको एट्थ एडिशन के लिए किया है आपको पता ही है कि हसन जो है फॉर्चून ब्रिशल जो के बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर ये न, जो है उसके कैप्टन होते हैं तो उनको वो करते हैं तो आज रात को ये पहुँच रहे हैं और आ, अब जो इनका पहला मैच है कराची किंग्स का इनके साथ वो कल कराची में होएगा तो उसके अंदर जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने बड़ी जी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई इसलिए उसकी वजह यह है कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का जो केप टाउन में मैच हो रहा है वैसे तो <coughs> इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान वेमेंस को जो टीम है उसको सेवन विकेट से हराया लेकिन उसके बाद जी इन्होंने अपनी जर्सीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम की ट्राउजर्स कोई पहनी हुई हैं और और या उनकी जैकेट्स पहनी हुई हैं और इसी तरह जो पाकिस्तान टीम है उन्होंने इंडियन टीम की जर्सीज पहनी हुई हैं तो उन्होंने जर्सीज जो हैं आपस में चेंज की हैं एंड एपसोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज पाकिस्तान स्कॉश जूनियर जो टीम है उसने इंडिया की टीम को जनाब हराया इन द ट्वेंटी फर्स्ट एशियन जूनियर टीम स्कॉश चैंपियनशिप में जो कि यह हो रहा था इंडियन स्कॉश एंड ट्राइथ्रॉन अकेडमी इन चेन्नई के अंदर और जो पहला फाइनल था वो पाकिस्तान के मंजूर जमान के और इंडिया के कृष्णा मिश्रा के बीच में था और बड़ा ज़बरदस्त तीन राउंड के जो मैचेस हुए उसमें फ़ाइनली नूर जमान ने कृष्णा मिश्रा को हराया और दूसरा जो मैच था उसके अंदर पाकिस्तान के जो दो टाइम एशियन जूनियर चैम्पियन हैं और ब्रिटिश जूनियर चैम्पियन भी हैं उन्होंने जनाब हराया पार्थ अम्बानी को तो इस तरह से जी पाकिस्तान जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट एशियन जूनियर टीम स्कॉश चैम्पियनशिप जीत गई 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 हो जी हमारी स्कॉश जूनियर स्कॉश टीम को हाँ। बहुत बहुत मुबारक एंड आज की खबर में